आर यू रेडी? तो कुछ प्रोडक्ट दे दूं? बहुत शानदार प्रोडक्ट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, चार से पांच प्रोडक्ट जो हर घर की जरूरत है, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। नेक्स्ट और दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी को जन्म देने वाली बीमारी, और हर घर में एक को क्या है? कब्ज। क्या है? कब्ज। मुझे नहीं पता बाजार में कौन बेचता है, क्या बेचता है, आयाम टायम पायाम मुझे नहीं पता, मैं नाम नहीं। लेकिन जितने भी प्रोडक्ट यूज करोगे कब्ज के, पेट में मरोड़ मारेगी, पेट पागल हो जाता है। जाओ अपने वाला यूज करके देखना। कब्ज डॉग एक ऐसा प्रोडक्ट, रात को खाओगे सुबह हल्के होके आओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों आज आपने देखा होगा कि तकरीबन लोगों में अमल बनता है, एसिडिटी बनती है खाने के बाद, है ना? आज का खाना पीना फास्ट फूड, और उसके बाद हम बाजार के वो प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनमें छाल निकलते हैं, है ना? वो केमिकल होता है। क्या होता है? आज तक हिंदुस्तान में एसिडिटी के लिए कोई भी कंपनी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना पाई जिसमें उस केमिकल का यूज ना होता हो। पहली बार आयुर्वेद वर्ल्ड में एसिडिटी के लिए एसिडोक प्योर आयुर्वेदिक बनाया, प्योर नो केमिकल। आपको मालूम है जो पेट के प्रोडक्ट है, पता कर लेना, जैसे कि पेट सफा करने के लिए दवाइयां आती हैं, या एसिडिटी के लिए दवाइयां आती हैं, या कब्ज के लिए, आपको मालूम है इनसे लिवर के कैंसर होते हैं, आंतों के कैंसर होते हैं, कोई भी समझदार आदमी आपको बता देगा। लेकिन अगर हर्बल यूज करें तो कभी नहीं हो सकते। मैंने कोशिश की है कि पेट के लिए जितनी भी प्रॉब्लम है सबके लिए मैं हर्बल आपको दे सकूं। ये एसिडोक एक पैकेट पीजिएगा, प्योर आयुर्वेदिक है, नो झाग नो झपट, ओनली फटाफट। तुमने दुनिया की बहुत कॉफी पी होगी, अब एक बार ओरिजिनल कॉफी कैसी होती है उसका भी स्वाद चख लेना। एसलीपीएस ने पहले टी लॉन्च करी थी, वो सुपर हिट है, ये कॉफी लॉन्च कर दी है, ये भी सुपर हिट होगी, और रेट वही रहेंगे बाजार के। अच्छा एक बात बताओ जोर से, हमारी नहाने की साबुन कैसी है? बेस्ट है, वो कपड़े धोने की भी ले लो। अब जाते जाते तुम्हें एक ज्ञान दे जाता हूं, गुरु ज्ञान। लेना चाहोगे? लेना चाहोगे? सक्सेस होना चाहते हो? फास्ट होना चाहते हो? एक ही ज्ञान दोस्तों, आप किसी के भी घर जाकर उसको 2700 बेचने की कोशिश मत करो। बात को समझना, दुनिया का हर आदमी
वर्कर नहीं बनेगा। ध्यान से सुनना, ऊपर से नीचे तक, कल सुबह से चेक पड़ जाएंगे। दुनिया का हर घर हर आदमी नेटवर्कर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सब ड्रीमर नहीं होते, सब मेहनत नहीं कर सकते, सब सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो आपके चेक कम ज्यादा वालों में क्यों होते हैं? क्योंकि हर घर में आप नेटवर्किंग देखते हो, हर घर में आप डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते हो। दुनिया में हर आदमी नेटवर्कर नहीं बनेगा, पर दुनिया में हर आदमी आपका कस्टमर जरूर बनेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो माइटी बेचने निकलोगे, खाली हाथ वापिस आओगे? तुम प्रोडक्ट बेचने निकलोगे, जेब भरकर वापिस आओगे। बात समझ में आई? हर आदमी नेटवर्कर नहीं बनेगा, पर हर आदमी साबुन तेल रिफाइंड ऑयल बालों का तेल शैम्पू तुलसी पेट अपना पेस्ट कॉफी चाय पत्ती हर आदमी आपका कस्टमर बन सकता है। आया ना? आया ना? तो तुम्हारी एक ही गलती है जो तुम हमेशा करते हो, सबको नेटवर्कर बनाना चाहते हो। अरे सबको कस्टमर बनाओ, उसमें से नेटवर्कर अपने आप निकलेगा। बात समझ में आ गई? हर घर को कस्टमर बनाओ, उसमें नेटवर्कर अपने आप निकलेगा, ड्रीमर अपने आप निकलेगा। क्या हमारे साबुन के रेट बाजार के रेट से नहीं है? अरे बताओ, यस और नो? क्या हमारा रिफाइंड ऑयल बाजार के रेट से महंगा है? हाँ, अपना जो राइस ब्रेन ऑयल है, हाँ महंगा है क्या? महंगा है क्या? हमारी चाय पत्ती बाजार से महंगी है क्या? आप बताओ, तुम्हारे परिवारों में, यारों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में कौन साबुन नहीं लगाता, कौन चाय नहीं पीता, कौन पेश नहीं करता? बताओ कौन राइस ब्रेन ऑयल रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल नहीं करता? 196 रुपए लीटर है भाई। कस्टमर पैदा करो, एसपी मत देखो। जब वो कस्टमर बनेगा, परमानेंट बनेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, नेटवर्किंग के लिए आपके साथ एक दिन अपने आप निकलेगा। ये मंत्र लेके जाओ। लोग कोई बोले तुझे तो कंपनी ने सेल्समैन बना दिया, तू तो झोला टांग के जा रहा है, घर घर प्रोडक्ट बेच रहा है। बोला हाँ। दुनिया में जो भी आदमी बड़ा बनाए, पहले सेल्समैन बना, उसके बाद बड़ा बना। अचानक से लीडर कोई नहीं बनता, पहले सेल्समैन बना, उसके बाद बड़ा बना। जिसकी मर्जी स्टोरी उठा के देख लेना। स्विगी कंपनी वाले को जानते हो? पहले खुद मोटरसाइकिल पर डिलीवरी करी थी, आज इतनी बड़ी कंपनी बनी है। झोला उठाओ, प्रोडक्ट बाजार बैग में डालो, घर घर प्रोडक्ट देके आओ, प्रोडक्ट यूज होंगे, कस्टमर बनाओ, नेटवर्कर अपने आप निकलेगा और आपका आने वाला फ्यूचर सफल होगा, सक्सेस होगा। मेरी बेस्ट विशेस, मेरी दुआएं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। हम सब मिलकर दुनिया पे विजय प्राप्त करेंगे। तो बोलो भारत माता।